बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जो आज हमारा है। नए टॉपिक के साथ आज हम आए हैं, वो है हमारे पास MOT। इससे पहले हमने VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो VBT पे हमने दो वीडियोज पहले बनाई है, वो अच्छी तरह देख लीजिएगा तो तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा VBT का। तो कुछ ड्रॉबैक्स थे VBT के, जो आपके VBT थ्योरी बयान नहीं कर सकी थी उसको जो पूरा किया, तो वो बयान किया वो कौन सा था, वो MOT थी, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो ड्रॉबैक्स क्या थे वो जरा देख लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास थे VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, तो मॉलिक्यूल बनेगा या बॉन्ड बनेगा H2। तो ये हाइड्रोजन ले लीजिए इस तरीके से। अब जरा देखिए ये बात पूरी नहीं है, तो ये बात किसने, क्या इसमें प्रॉब्लम थी? तो ये दो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसलिए इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं कि ये पूरी तरीके से बहुत सारी बातों का बयान नहीं कर सकती, इसलिए MOT की हमें जरूरत पड़ी। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, आप अच्छा ओवरलैप करेंगे, नया मॉलिक्यूल उन्होंने बना लिया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड समझ लीजिए। अब जब देखिए जब ये बॉन्ड बनेगा तो इसमें कुछ बातें हैं, इसमें बॉन्ड ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, पैरामैग्नेटिज्म होगा, इस ऑक्सीजन की उन्होंने बात की, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये हमें बयान नहीं कर सकी, बॉन्ड ऑर्डर बयान नहीं सकी, VBT बयान नहीं कर सकी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बयान नहीं कर सकी। तो कुछ बातें थी, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बयान नहीं कर सकी। तो इनको जो पूरा किया किसने किया, MOT ने। MOT क्या कहती है, जब भी दो ऑर्बिटल्स एटोमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, जिसे मिसाल के लिए लेते हैं हाइड्रोजन की, इस तरह का बना लेता हूं, हाइड्रोजन हो गया और ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अभी जब ये आपस से मिलेंगे तो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बनाया, लेकिन मॉलिक्यूल्स के भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये कहती है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस से मिलेंगे तो नया ऑर्बिटल बनेगा या नए ऑर्बिटल बनेंगे, VBT ऐसी कोई बात नहीं कहती। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था VBT का, MOT ने इसको बयान किया था। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर हो गया, वो भी नहीं बयान कर सकते, VBT नहीं बयान करती, उसको भी MOT ने बयान किया। इसके अलावा स्टेबिलिटी देख लीजिए, जिसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछ लूँ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली H2 होगा, लेकिन ये भी क्या, स्टेबिलिटी भी VBT बयान नहीं कर सकी। अब जरा देखिए पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म, ये भी क्या है, बयान नहीं कर सकी। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन है, ये क्या है, इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो इसकी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होती, ये VBT ये भी बयान नहीं कर सकी, पैरामैग्नेटिज्म को MOT ने बयान किया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ फीचर्स थे जो MOT के थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे जो VBT के थे, हमें डिस्कस करना जरूरी थे, तो हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों जरा देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं MOT के कुछ पॉइंट्स में रहते हैं। पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, 1930 में तीन साइंटिस्ट थे आपके पास, होकल, हंट और मिलिकर, इन्होंने 1930 में MOT पेश की थी। इससे पहले 1927 में VBT आ गई थी। अब इससे कुछ पॉइंट्स वगैरह वो भी डिस्कस करते हैं। VBT फेल्स टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि VBT जो थी मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बयान करने में नाकाम रही थी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से मुराद क्या होती है वो जरा वो भी देख लीजिए, जिसमें आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हम देख लेते हैं नाइट्रोजन का, देख लेते हैं नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2p3 है, इसमें दो दो आ जाएंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इसमें भी दो दो आ जाएंगे, ये क्या है, px py pz कर लें, px py pz, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये क्या कहलाएंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की जानब क्या होता है, वो कशिश हो जाता है। तो ये आपको क्या काम करती है, MOT बयान करती है पैरामैग्नेटिज्म। मोड कॉन्सेप्ट गिवन बाय हेकल, जैसे मैंने अभी बताया आपको, देख लीजिएगा, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे मैंने आपको यहां भी बताया था, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यानी कि हम देखें दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ओवरलैप कर जाते हैं, हाइड्रोजन की मिसाल लेते हैं इसमें, यहां भी हम हाइड्रोजन हो गया। अब इन्होंने क्या काम करा, ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, नया मॉलिक्यूल
नया ऑर्बिटल बनेगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी मोलिक्यूल में भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ये बयान करती है हमें एमओटी। जबकि वीवीटी कहती थी जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो कोई नया ऑर्बिटल नहीं बनेगा, जबकि एमओटी ने इसको रिपीट किया तो गलत साबित किया, और उसने क्या बताया कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी मोलिक्यूल्स के भी ऑर्बिटल्स होंगे, और या ऑर्बिटल्स कह दीजिए। अगर देखिए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक, बस ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, मोनोसेंट्रिक क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक क्या होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के जरिए असर होगा तो उसको क्या कहेंगे, मोनोसेंट्रिक, और जब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा न्यूक्लियस के जरिए असर होगा तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीसेंट्रिक। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू मोलिक्यूल्स, यानी पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के जरिए असर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसेंट्रिक कहेंगे। अब इसके टाइप्स ऑफ देखें मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की कुछ टाइप्स होती है, इसको कहते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जरा देखिए इसमें इसमें भी क्या होता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल BMO और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ABMO कहलाते हैं। तो जरा देखिए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है, दे हैव लेसर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी क्या होती है, एनर्जी लेसर होती है, कम होती है, जबकि क्या होता है, दे हैव मोर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। दे आर फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, आगे बात करेंगे इसमें। तो दे आर फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, BMO क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में वजूद में आता है, जबकि दे आर फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये किससे, ABMO डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में वजूद में आती है, आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। तीसरी देखिए बी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड पाई, जबकि इसमें क्या होता है, ABMO में इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्टेरिस और पाई स्टेरिस, सिग्मा स्टार और पाई स्टार, इसमें सिग्मा और पाई से डिनोट करते हैं, इसमें क्या होता है, सिग्मा स्टार और पाई स्टार से डिनोट करते हैं ABMO में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये थी आज आपकी MOT के कुछ बुनियादी पॉइंट्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, VBT के जो हमने डिस्कस किए वो जरा वो भी देख लीजिएगा। एक बात और है MOT में कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसको भी, कि ये आपको जब एटम होता है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसकी वेव प्रॉपर्टी भी होती है, वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है, जो एमओटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को ज़्यादा सपोर्ट करती है, वेव नेचर को सपोर्ट करती है, इसको हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।